फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्चुअल ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे। फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर मेजर करने के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पाल्पेटरी मीटर, दूसरे होते हैं ऑस्कल्टेटरी मीटर। हम लोग पाल्पेटरी मीटर का ज़्यादा यूज नहीं करते, नो डाउट कि ऑस्कल्टेटरी मीटर से ही ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए क्योंकि ऑस्कल्टेटरी मीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करने में एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। लेकिन पाल्पेटरी मीटर का यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, पाल्पेटरी मीटर से एक अंदाज आ जाता है कि प्राइमरी अंदाज आ जाता है कि पाल्पेटरी मीटर से ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, इसलिए प्राइमरी अंदाज आ जाता है। और अननेसेसरी हम लोग कफ वगैरह यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा तक कुछ करते हैं वो करते नहीं, हम लोग देखते हैं सर पाल्पेटरी मीटर का यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड को अच्छी तरह से ये कप बांधना है, ठीक है। कप बांधते वक्त थोड़ा सा दो उंगली ऐसे ऊपर लेना है कि इधर से कप में की एयर हमने अच्छी तरह से प्रॉपरली निकाल ली है, ठीक है। ये रबर ट्यूब ये इस प्लेन में आने चाहिए, ठीक है। ये दो उंगली इधर से ऊपर होनी चाहिए, अच्छी तरह से ये कप बांध दिया हमने। अभी हम लोग पेशेंट की रेडियल पल्स देख लेते हैं, ठीक है। रेडियल पल्स पाल्पेट करते हैं, ठीक है। रेडियल पल्स पाल्पेट करते हैं और धीरे धीरे बल्ब ये धीरे धीरे ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। बल्ब धीरे धीरे ऊपर लेके ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स जो 120 पे पेशेंट को कैसा इधर रेडियल पल्स मुझे अभी नहीं लग रही, ठीक है। 120 पे रेडियल पल्स मुझे अभी नहीं लग रही है। सो ये हो गया फ्रेंड्स, अभी 120 mmHg पे पेशेंट का प्रेशर लगा ना, वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, जहाँ की रेडियल पल्स मुझे अभी फील नहीं हो रही है, ठीक है। ये हो गया पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg। लेकिन हम लोग क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ऑस्कल्टेटरी मीटर से ब्लड प्रेशर लेने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा 140 तक कफ को पुश करना है, ठीक है। 120 mmHg तक कफ को पुश करना है, लेकिन गॉसमैन मर्करी 140 तक आ गई, ठीक है। 140 तक आ गई, इधर तक ही पुश करना है क्योंकि हमें प्राइमरी अंदाज आ गया है कि 120 mmHg पाल्पेटरी मीटर से 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, इसलिए ऑस्कल्टेटरी मीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करते हो सिर्फ 140 तक ही लेके जाना है, ठीक है। इतना ही कफ यूज़ करना है, इतना ही। बाद में हम लोग ऑस्कल्टेटरी मीटर से इधर स्टेथोस्कोप को ऐसे ब्रैकल सॉरी कोबड़ स्टेथोस्कोप को इधर रख दिया, ठीक है। रखने के बाद 140 तक हमने पुश कर दिया, धीरे 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 हम लोग एयर नीचे नीचे ले रहे, ठीक है। सो धक धक जो आवाज़ है ना 120 mmHg पे आ रहा है, ठीक है। धक धक जो आवाज़ आ रहा है ना वो 120 mmHg पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका आ रहा है। जो धक धक आवाज़ जो सुनाई देता है ना उस रीडिंग को हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। उस रीडिंग को नोट डाउन करना है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमें पहली रीडिंग मिल गई, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे उसको रबर वॉल को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने के बाद जो धक धक आवाज़ है ना जो अभी 80 mmHg पे अभी रुक गया, ठीक है। धक धक जो आवाज़ है 80 mmHg पे रुक गया, वो रीडिंग नोट डाउन करनी है, ठीक है। वो रीडिंग नोट डाउन करनी है, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमने दो रीडिंग मेजर कर ली, एक हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक हो जाए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। धीरे धीरे फिर एयर ये निकाल देनी है और एयर निकालने के बाद ये कफ को रिमूव करना है, ठीक है। ये पाल्पेटरी मीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करने में फायदा क्या रहता है फ्रेंड्स, हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अंदाजा आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मिस रीडिंग नहीं होती। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था फ्रेंड्स कि ऐसे में ड्यूटी चल रही थी मेरी, पेशेंट का बीपी तो एक्चुअली 90/60 था, लेकिन मेजर करते वक्त कैसे पेशेंट का मैंने डायरेक्टली कप बांधने के बाद उसको डायरेक्टली ऑस्कल्टेटरी मीटर से बीपी ली थी। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा सा आवाज़ जो फॉल्स साउंड है ना, फॉल्स साउंड कई बार ऐसे आ जाते हैं क्योंकि पेशेंट का हाथ में क्रिप बैंडेज वगैरह थी, दोनों हाथ में क्रिप बैंडेज थी, डीबीटी स्टॉकिंग जो बोलते हैं ना वो, उसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए लगाया था। ऐसे में पेशेंट को कैसे मैंने फॉल्स साउंड आ गया था उसमें, इसलिए मैंने बोल दिया कि 110/70 बीपी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब पाल्पेटरी मीटर से बीपी लेते हैं तो एक फील होता है, एकदम एक्यूरेटली पता चलता है कि एक अंदाज आ जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। इसलिए पाल्पेटरी मीटर भी यूज़ करना है हमें ब्लड प्रेशर मेजर करते वक्त। एंड जो अननेसेसरी हम लोग 200 तक मर्क्यूरी लेके जाते हैं ना, उतना अननेसेसरी हमें लेके जाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए पाल्पेटरी मीटर के सबसे पहले पाल्पेटरी मीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करना है, बाद में उसके लगे स्टेथोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेटरी मीटर से भी ब्लड प्रेशर मेजर करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से प्रॉपरली ब्लड प्रेशर हमें पेशेंट को मेजर करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता देना आप। और ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा मौर्या पब्लिकेशन ऐप पे वो डाउनलोड करना है। मौर्या पब्लिकेशन ऐप पे आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।